जेकेएसएसबी पेपर लीक स्कैम में एक और बड़ा अपडेट है। कल हमने आपको बताया था कि पूरा जो मास्टरमाइंड है जिसने पेपर लीक का पूरा जो है वो प्लान किया था, उसे ईडी ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन अभी खबर यह है कि ईडी ने उसे 7 दिन की जो है वो रिमांड पर लिया, ताकि उससे कई ज्यादा चीजें जो हैं वो पूछी जा सके और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं उन्हें खंगाला जा सके। जेकेएसएसबी की बात करते हैं, जेकेएसएसबी का जो एग्जाम हुआ था उसके साथ बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ था, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो दांव पर लग गया। कैसे? क्योंकि एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद एक लिस्ट निकली, लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये पाया गया कि इसमें कुछ इरेगुलरिटीज हैं और इसमें कुछ धांधलियां हुई हैं। और धांधलियां होने के साथ साथ आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे पेपर्स की ना तो कोई जगह है, और जिन्होंने भी इस तरह की इरेगुलरिटीज की है, स्कैम किया है, उन्हें ये सरकार पकड़ेगी, क्योंकि ये सरकार बैकडोर एंट्रीज करवाने वालों में से नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि एक स्पेशल कोर्ट जो है उसने मास्टरमाइंड की बात करते हैं 2022 का जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था, यानी जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें जो है उस मास्टरमाइंड को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। और आपको ये भी बता दें कि वो व्यक्ति जिसकी उम्र 43 इयर्स है, जो हरियाणा रेवाड़ी का रहने वाला है, उसे सोमवार को अरेस्ट किया अंडर क्रिमिनल सेक्शन ऑफ द PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साथ साथ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 27 मार्च 2022 को, जिसमें 1200 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, 1300 जूनियर इंजीनियर सिलेक्ट हुए थे और 1000 फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, यानी 1200 सब इंस्पेक्टर, 1300 जूनियर असिस्टेंट्स की अगर हम बात करें और 1000 की अगर मैं बात करूं फाइनेंस अकाउंट इंजीनियर सिलेक्ट हुए थे। इतने सारे बच्चों का समय बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, वक्त बर्बाद हो गया, फ्यूचर दांव पर लग गया। लेकिन अब सरकार ने उस मास्टरमाइंड को उस समय पकड़ा जब नीट और नेट जो है, यानी यूजीसी नीट की बात करें और नेट की बात करते हैं, वो जो है यहाँ पर सुर्खियों में था। और आपको ये भी बता दें कि ये पेपर जो है जब से सुर्खियों में आए हैं और ये सीबीआई ने FIR रजिस्टर की थी और चार्जशीट तैयार की थी, जिसकी बिना पर ईडी को ये केस सौंपा गया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर सीबीआई ने 33 बंदों पर जो है चार्जशीट दायर की थी नवंबर 12, 2022 में, जिसकी बिना पर यहाँ पर ईडी ने अरेस्ट किया है। और ईडी ने जो है एक 14 दिन की रिमांड जो है मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड की अगर मैं बात करूं तो वो जो है वो मिल गई है, यानी 14 में से 7 हाथ लग गए हैं। और कोर्ट ने ये कहा, 7 दिन हाथ लगे हैं, कोर्ट ने ये कहा कि आप इस केस में तेजी लाएं और इन 7 दिनों में इससे सबूत मांगे और इन 7 दिनों में ये खंगाले कि क्या क्या इसने कैसे कैसे किया। और आपको बता दें कि उस समय जब पूरा देश हिल चुका है नीट यूजी को लेकर और यूजीसी नेट को लेकर, जो है आपको बता दें कि ईडी ने ये भी बताया कि हरियाणा और जम्मू में इनके तार और कश्मीर तक जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बच्चों को 15 से 30 लाख में जो है वो पेपर बेचा गया था। और आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले इस शख्स के जो है न्यू ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन कॉरपोरेशन पर जो है इसके एसेट्स खंगाले गए, इसके बैंक पर जो है वो छापा मारा गया और 1 करोड़ के और भी जो है यहाँ पर रिकवरीज हुई है। फिलहाल के लिए खबर इतनी, जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।